हाय फ्रेंड्स, हमने आपको एक नया ऐप अपडेट दिया है। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें उसके बारे में ज़्यादातर मालूम नहीं है, तो उसका एक तरीका ये यूज़ करने का है कि जब आप मेरी ऐप खोलोगे, वहाँ मैसेज या ऑप्शन आती है, वहाँ पर एक लिस्ट खुलती है, उसको FAQ बोलते हैं। आप अगर आपके डॉग को कोई भगवान ना करे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, तो आप FAQ में जो लिस्ट खुलेगी उसमें आपको नॉर्मली डॉग खाना नहीं खा रहा, भगवान ना करे लूज मोशन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा प्रॉब्लम का हल ऑलरेडी वहाँ है। इसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि जो भगवान ना करे किसी का डॉग एमरजेंसी में हो, जो मस्ट नीडेड है, तो उसका ऑप्शन मैसेज सीधा मेरे पास आ जाता है। नहीं तो 90% आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनके रिलेटेड मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ होती हैं। तो ये FAQ हमने इसलिए चालू किया ताकि आप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाए, आपको वेट ना करनी पड़े मेरी रिप्लाई की। तो फ्रेंड्स, आप नए ऐप को जरूर यूज़ कीजिए, अपलोड कीजिए, और ये FAQ फंक्शन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब प्लीज़ अपने डॉग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमारी वीडियोस है उस लिस्ट में, आप चेक कीजिए, तो आपको अभी मेरी रिप्लाई की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने डॉग की प्रॉब्लम वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि जब हम नया पपी लाते हैं, बेसिक जब घर में हम लाते हैं तो हमें बेसिक किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है अबाउट जब आप पपी नए लो फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर टिप्स के नाम से, वहाँ पर तो मैंने आपको सब चीज़ें दिखाई है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, डाइजेस्ट की दवाई, लूज मोशन वॉमिटिंग की दवाई, स्टार्टर फीड, अगर पपी ज़्यादा छोटा है तो डॉग वाला स्पेशल सारा लेक बाउल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज है अगर बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि हम घर में लाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हम डॉग को क्या दें, कैसे रखें। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि डॉग को हम फ्लैट में कैसे रखें, पहले बेसिक जो पहले 2-4-5 दिन हफ्ता है जो डॉग को हम कैसे घर में रख सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका घर छोटा है, जहाँ आपका घर फ्लैट में है या जहाँ हम हाउ रीज़न, तो ये केज है, ये आप केज जरूर यूज़ कीजिए। अगर आप पपी ले रहे हो तो साथ में केज एक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर डॉग लवर हैं, डॉग रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ फैमिली में ऐसे मेंबर्स होते हैं जो डॉग को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट आफ्टर सम टाइम वो भी पसंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन हम प्रेजेंट में ज़्यादा देखते हैं आज क्या करना। तो मान लीजिए कि अगर मैं नया डॉगी अपने घर में लेकर आऊँगा, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे घर में कोई कहेगा कि ये अनहाइजेनिक है, ये इधर सूसू कर रहा है, पोटी कर रहा है, तो उसके सोल्यूशन आपका एक है कि ये केज मोस्टली आपको हर जगह हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, आपको आपके नियरेस्ट किसी पेट शॉप में मिल जाएगा। इसके दो होते हैं दरवाजे, एक ये होता है, एक ऊपर से होता है, तो इसके नीचे ट्रे होती है। ट्रे का इतना फ़ायदा है कि डॉग जो पोटी सूसू करेगा वो सारा ट्रे में रह जाता है, और एक ब्रीडर क्या क्या तरीका यूज़ करते हैं उसको ज़्यादा जल्दी साफ़ रखने का आसानी से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रे नीचे इसके खुल जाती है, ट्रे खोलने के बाद कोई भी न्यूज़पेपर आपके होगा, ये न्यूज़पेपर आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली हम ब्रीडर डॉग को जल्दी बच्चों के बार बार पोटी सूसू कर देते हैं, तो उसके इस जल्दी सफाई के लिए ये मैंने नीचे कर दिया। अब अगर पपी बाथरूम करेगा, आप इवन एवरी आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स आपको सारी ट्रे को बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप न्यूज़पेपर उठाइए, ये इसको चेंज कर सकते हो न्यूज़पेपर को, एक सिंपल सा तरीका है। बाकी फर्स्ट टाइम जब हम घर में डॉगी लाते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम ये आती है कि उसको खाने में क्या देना है कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी हम जिस ब्रीडर से लेते हैं उसको भी नहीं मालूम होता कि खाने में मैं डॉग को क्या दूँ, क्योंकि मोस्टली क्या है कि कुछ तो फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जो अपने फार्म के बच्चे सेल करते हैं, और कुछ इधर उधर से इकट्ठे कर कर वो बेचारे को खुद आइडिया नहीं होता। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपका जहाँ से आप पपी ले रहे हो वो प्रॉपर आपको नहीं बता पा रहा कि क्या खाने में देना है, तो आप दही दे सकते हो, कर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हमने ये पैकेट वाला दही वो यूज़ कर वो लिया है डेमो के तौर पर, अगर आपके घर में है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ये हो गया। बाकी फ्रेंड्स मिलिए बॉडी एक्स से, जिसको फ्रेंच मास्टिफ भी आप कह सकते हो, और ये पपी है, इसकी एज है 28 डेज़।
तो अगर आपको लगे कि जहाँ से ले रहे हो आपको कुछ मालूम नहीं है इतने छोटे पप्पी को क्या देना है, आपके पास चाहे लार्ज ब्रीड हो चाहे क्यों पग या इससे भी छोटी ब्रीड क्यों ना हो, आप 25 से 30 दिन के डॉगी को दही दे सकते हो, वो काफ़ी अच्छा रहता है उसके लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पप्पी को कुछ मालूम नहीं होता कि उसको क्या खाना है, क्या बाउल में है। आप उसको ऐसे कर सकते हो, उठाकर खा रहा है माय फ्रेंड, नहीं तो एक तरीका और होता है, आप कोई भी स्पून वगैरह यूज़ कर सकते हो। अगर डॉगी, अगर पप्पी फिर भी नहीं खा रहा तो आप ऐसे लिंक भी करा सकते हो। क्या होता है, छोटी ब्रीडें जो होती हैं पग लग में, उनका नाक में बहुत चीज़ें चली जाती हैं, तो आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हो, आपको कंफर्टेबल रहेगा, डॉग को खाने में भी आसानी होगी। ये दिन में आप डॉग को 4 या 5 बार दे सकते हो। अगर डॉगी की एज, पपी छोटे की एज लगभग 35 से 40 दिन है, तब आप इसमें स्टार्टर फीड को भी साथ दे सकते हो। अगर स्टार्टर आप दही में 5-10 मिनट तक भीगा रहने दोगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तब आपको चम्मच को चम्मच के साथ उसको आप मैश कर आप पपी को दे सकते हो। नहीं तो आप मिक्सर ग्राइंडर में वो स्टार्टर फीड को मैश कर लीजिए, अगर वो दाना नहीं चबा पा रहा या चबाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हो। जब आप ट्रैवलिंग भी करवाते हो डॉग को तो भी आप ऐसा कर सकते हो। बाकी डॉग को जितना आपको अंदाज़ा लग जाए कि इसका पेट फूल गया है, 4 की बजाय 2 घंटे बाद आप डॉग को खाना दे सकते हो। लेकिन बी श्योर, बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डॉग ओवर फीडिंग ना करे। कभी कभी ओवर फीडिंग के कारण फिर डॉग वॉमिटिंग कर लेता है। तो आपके घर में स्पेशली ऐसे पेपर वाले ड्राई टिश्यू होते हैं, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसका फेस साफ करना ना भूलिए। कोई भी ब्रीड हो, मैं कभी डॉगी खाते खाते अपना बॉडी अपना फेस बहुत गंदा कर लेते हैं। छोटी ब्रीड्सों में ये बहुत प्रॉब्लम आती है माय फ्रेंड, क्योंकि ये उनके नाक में, जैसे छोटी ब्रीड्स लाइक के मोस्टली पग, नाक में जाने के कारण सर्दी भी हो जाती है। तो अच्छी तरह क्लीन अप कर सॉरी थोड़ा सा रह गया, ओके दैट्स लुक वेरी नाइस। ये देखिए इस तरह डॉगी अपने खाने के बाउल में इतना गंदा कर लेते हैं अपने आप को। कुछ ब्रीड्स में तो ये बालों में चिपक जाता है और निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये तो थैंक गॉड कर्ड है, अगर ये कहीं सरलक वगैरह होता तो इसके बालों में चिपक जाता। फिर कभी कभी हम जल्दी से बाल उखाड़ते हैं तो वहाँ से बाल उखड़ ही जाते हैं, सफाई के चक्कर में हम बेचारे के बाल ही उखाड़ देते हैं। तो जैसे ही डॉगी को फीडिंग करो दिन में 4 टाइम या 5 टाइम, तो उसके बाद आप ज़रूर उसका अच्छी तरह से बॉडी को साफ़ कीजिए, फेस को साफ कीजिए प्लीज़। मोस्टली प्रॉब्लम जब आती है कि डॉगी अपने जब केज में या होता है तो उसमें वो बहुत कभी कभी चिल्लाता है, क्योंकि वो अपने भाई बहनों से मदर से अलग होकर आता है तो उसको अकेला सोने की आदत नहीं होती। जहाँ हम उसको अपने साथ नहीं रखते या उसके अलग अलग केज हो, जैसे लाइक दिस वन केज, तो उस समय आपका ऐसा कोई भी टॉयस उसके साथ होगा, ये साउंड वाले होते हैं, कुछ भी जो उसके लिए कंफर्टेबल रहे उसके पास होना चाहिए, जिससे वो बिजी रहे। क्योंकि डॉग को हमेशा, पपीज़ को आदत होती है कि अपना हेड या पाँव किसी चीज़ के ऊपर रख कर सोने की। मान लीजिए कि इसके ऊपर अपना हेड रख लेंगे या यहाँ पर कहीं। और एक सबसे ये जो टॉयस होते हैं ये इतनी हेल्प करते हैं कि डॉग के जो दांतों की शार्पनेस होती है ना माय फ्रेंड, वो शार्पनेस कम हो जाती है, क्योंकि इसको बाइट करते रहते हैं, उनके दांत भी प्रॉब्लम नहीं आती। और अभी ये खा लिया है, अभी सोने जा रहा है जनाब, तो
टॉयस प्लास्टिक वाले टॉयस हैं वो भी दे सकते हो, अगर आप स्टफ टॉयस जैसे टेडी बेयर वगैरह हो तो वो ज़्यादा बेटर है माई फ्रेंड। और एक कभी भी डॉग को अपने हाथों को बाइट करने की आदत इस एज से ही मत स्टार्ट करना, नहीं तो फिर वो आगे यूज़ थ्रू हो जाएगा। तो उसके कंफर्टेबल टॉयस उसके साथ होने चाहिए ताकि वो कभी भी अकेला ना फील करे। ये एक छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स नए पप्पी को फर्स्ट टाइम घर में लाने के साथ साथ आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है, कैसे उसको फर्स्ट फीडिंग करवानी है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स एक मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ विदाउट योर हेल्प मैं आई एम नथिंग, तो मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो शेयर कीजिए। जो घर बैठे अपनी डॉग की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, तो अगर आप जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे तो वो भी घर बैठे अपने तरीके से अपने डॉग को बेटर तरीके से डॉग को मैनेज कर पाएंगे, उनको बेटर तरीके से खान पान और अच्छे तरीके से प्योर ब्रीड की भी जज कर पाओगे, क्योंकि मेरे टॉपिक हर एक सिंगल वीडियो टॉपिक्स पर हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर वो डॉग लवर नहीं भी हैं तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन अगर डॉग लवर हैं तो ज़रूर 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 शेयर कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जितना हो सके मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही मेरे को एनर्जी मोटिवेशन आता है न्यू न्यू टॉपिक्स उठाने में, आपकी क्वेश्चन के आंसर देने में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आई नीड एनर्जी, आई नीड अ बूस्ट अप, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को जरूर लाइक्स कीजिए, थम्स अप दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स डॉग रखते हैं लेकिन नॉलेज बहुत कम है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इंडिया का कोई भी डॉगी कभी भी सिक ना हो। अच्छा खान पान रहेगा तो ऑटोमेटिकली बीमारियों से डॉग को कम बीमारियाँ लगेंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी और वीडियोस नहीं देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन वाला बटन है वो ज़रूर 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 प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो वीडियोस आता है आपको सेम टाइम नोटिफिकेशन जाए।